मिशन 25 को लेकर के सीएम भजनलाल लगातार चुनावी दौरों पर हैं। आज उनका रतनगढ़ जाने का कार्यक्रम है। वे कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर रोड शो करेंगे। इसके बाद वे सालासर मंदिर में दर्शन कर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। यहां से मुख्यमंत्री बीकानेर के लिए रवाना होंगे और मुकाम धाम दर्शन कर सामाजिक सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। भजनलाल लोखा के पांचू में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम को जैसलमेर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। आज तूफानी दौरे पर रहेंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में हलेना में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दौसा के लालसोट में भी योगी की सभा होगी। भरतपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में हलेना में जनसभा करेंगे। दौसा के लालसोट में भी योगी की सभा होगी। सीकर के रिंगस में भी चुनावी सभा करेंगे। आज तूफानी दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान में 3 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। भरतपुर लोकसभा के प्रत्याशी के समर्थन में हलेना में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद दौसा के लालसोट में भी योगी की सभा आयोजित होगी। सीकर के रिंगस में भी चुनावी सभा आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज तूफानी दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतपाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतपाल, आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान में तूफानी दौरे पर हैं। 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। भरतपुर के हलेना में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं और क्या समय तय किया गया है उनके आने का? जी श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस समय अब पार्टियों के स्टार प्रचारक और बड़े बड़े नेताओं की जनसभाओं का अब होना शुरू हो गया है। आज इसी सिलसिले में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी राजस्थान में 3 सभाएं का कार्यक्रम है। पहली सभा उनकी आज भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के हलेना में होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है और लगभग 25,000 लोगों को इस जनसभा में लाने का उनका कार्यक्रम है। अब चुनाव प्रचार बिल्कुल शीर्ष उस पर चल रहा है। 19 तारीख को भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे चुनाव होना है, तो आज जो योगी आदित्यनाथ की जो 3 सभाएं होंगी उसमें पहली सभा भरतपुर हरियाणा में होगी, जहां पर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है और 11 बजे मुख्यमंत्री का आने का कार्यक्रम है। यहाँ पर 11 बजे से लेकर लगभग 1 बजे 12:30 बजे तक यहाँ पर रहेंगे, 12 बजे तक। उसके बाद वो आगे लालसोट के लिए रवाना होंगे। जी श्वेता जी, सतपाल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बीकानेर के कोलायत आएंगे। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में जनसभा करेंगे। वहीं कोलायत से पीलानी जाएंगे राजनाथ सिंह और जयपुर में शाम को प्रेस वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीकानेर के कोलायत आएंगे और भाजपा प्रत्याशी जो हैं वहां से अर्जुन राम मेघवाल उनके पक्ष में जनसभा करेंगे। कोलायत से पिलानी जाएंगे राजनाथ सिंह और जयपुर में शाम को प्रेस वार्ता भी होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी की तैयारियां जोर शोरों पर जारी हैं। लगातार तूफानी दौरे बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरएस भाटी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। आरएस, आज राजनाथ सिंह जो हैं वो बीकानेर के कोलायत के दौरे पर रहने वाले हैं और भाजपा प्रत्याशी जो हैं उनके समर्थन में वहां पर जनसभा भी करने वाले हैं, क्या कुछ उनका तय समय है वहां आने का और क्या कुछ उनके कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं? जी आपको बताएंगे, बीकानेर के कोलायत विधानसभा क्षेत्र में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीकानेर की कोलायत में पहुंचेंगे, वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बीकानेर के लोकसभा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में यह आम सभा की जा रही है। माना जा रहा है कि कोलायत क्षेत्र में राजपूत समाज का बाहुल्य है, राजपूत समाज के वोटों को साधने के लिए और अर्जुन राम के पक्ष में एक आम सभा राजनाथ सिंह आज करेंगे। आरएस भाटी, क्या कुछ उनका तय समय रहेगा आने का वहां पर, किस समय पर वो वहां पर आएंगे? अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बात की जाए तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? जी आपको बताएंगे, बीकानेर में दिल्ली से नाल एयरपोर्ट तक विशेष विमान से राजनाथ सिंह आएंगे और बीकानेर के नाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर द्वारा लगभग 11 से 11:15 बजे के बीच में राजनाथ सिंह के कोलायत पहुंचने का कार्यक्रम है। और इस दौरे को देखते हुए बीकानेर के पुलिस अधीक्षक तेजस्वी गौतम और आईजी किलानिया ने पूरी व्यवस्थाएं की है। कम से कम 500 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है और आला अधिकारी भी इन सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। जी आरएस वाटी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री आज बीकानेर के कोलायत आएंगे, वहां पर भाजपा प्रत्याशी हैं अर्जुन राम मेघवाल उनके पक्ष में जनसभा करने वाले हैं। वहीं राजनाथ सिंह कोलायत से पिलानी जाएंगे और जयपुर में शाम को प्रेस वार्ता भी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का रण जारी है, लगातार भाजपा तैयारियों में जुटी हुई है। तूफानी दौरे राजस्थान में जारी है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान में 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। दौसा के लालसोट में एक सभा है, उसके बाद हलेना में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सीकर के रींगस में भी चुनावी सभा योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। और बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बीकानेर के कोलायत के दौरे पर रहने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में वो जनसभा करेंगे और कोलायत से पिलानी, उसके बाद वो जाएंगे और जयपुर में प्रेस वार्ता भी उनकी होगी।